किसने कहा था की चैलेंज करने को? सब कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी कर लूं मैच। तो सही जगह तो ढूंढता, दुनिया भर की पॉटी गोबर रोती तेरी गली में, फिसले गई। मैंने तो पहले ही बोला था ये की पिकी मत कर, पर मेरी फुने का थोड़ी। गाड़ी कौन चला रहा था? मैं। तो तू क्या एडवाइस दे रहा है, रोक नहीं सकता था? रोकी थी जब भी गिरा। गाड़ी नहीं, इसको रहने दे। की चैलेंज कब का पुराना हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है। अबे म्यूजिकली भी अब चेंज हो गया, टिकटॉक हो गया है ग्लोबली सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप है। पहले वाला मुजरा अब इस ऐप पे मत करियो, मेरे से अच्छा ट्रांजिशन कोई नहीं कर सकता। लगता है तूने अपने बाप को फॉलो नहीं किया। मैं चाहिए पर बताओ, हम लोगों की दोस्ती कितनी गहरी है? मतलब अगर कोई तुम्हें मुझे मारने के 1000 रुपए देगा तो क्या करोगे? मना करेंगे, बोलेंगे पैसे बढ़ाओ। पूछना क्या चाह रहा है? हम लोग कितने साल से साथ है बैंचो, लेकिन आज से कहीं घूमने नहीं गए। जाते तो हैं स्कूटी पे, अभी परफॉर्म तेरी अंडरवेयर रफू करा के नहीं आए थे? कच्चा कौन रफू कराता है? जो अंगारे हकते हैं, ये इतना तीखा खाता है, वॉल्केनो पे वादा ज्वाला इसकी गांड पे आता है। अब स्कूटी पे घूमना घूमना थोड़ी होता है यार। तो क्या चाहता है? छुट्टी के आखिरी दिन बचे हैं, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। कैब करते हैं, मूर्थल के पराठे खाने जाते हैं, काफी टाइम हो गया। हम बैठे दिल्ली वालों को घूमने के नाम पे मूर्थल का क्या ऑब्सेशन है? तो कहाँ जाना है? इंडिया के बाहर। पागल है, पैसे नहीं है। अभी अभी हमारे स्कूल का एक दूसरा ग्रुप हो गया है, बहुत मजे करके आए मैच। कौन वो? विशाल सिंघानिया का ग्रुप? हाँ। वो स्कूल मर्सिडीज में आते हैं, हमारी तरह स्कूल बस की लास्ट सीट पे बैठ के दूसरी बसों पे पानी फेंक रहे होते हैं। वो पूरे साल की फीस एडवांस में देते हैं, कैश में एक साथ। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उनके माँ बाप नहीं आते, घर का हेड नौकर आता है। उनके लिए अपने दोस्तों के साथ इंटरनेशनल ट्रिप मारना बहुत आसान है। क्या कंजूस है वैंचो, तुझसे नहीं होगा, मेरे को किसी और के साथ ही प्लान बनाना पड़ेगा। हेलो। हाँ सुमायरा, क्या कर रही हो? अरे टिकटॉक पे तो इंडिपेंडेंस डे का फिल्टर भी आ गया है, मैं यूज करने वाला हूँ 15 अगस्त को, सब जगह फैला दूंगा मैं। अरे सुनो ना, वो तुम्हें बाहर जाना था ना, तो आई वॉज प्लानिंग वी कुड गो टू मनीष। मनीष? कितनी क्यूट हो, मनीष स्पेन में है। कोई दोस्त है क्या? मैंचे दोस्त नहीं है, मनीष जगह है स्पेन में, गरीब लोग। हाँ बेबी मनीष चलेंगे। हुतिये म्यूनिक है वो। हाँ म्यूनिक, तुमने क्या सुना मनीष? कितनी भोली हो। म्यूनिक है स्पेन में। जर्मनी? स्पेन में घुस के लेफ्ट लेते ही जर्मनी आता है, वहां है। यूरोप जाएंगे। अच्छा चलो अपने मॉम डैड से पूछ के बता दो। ओके मैच, तुझे घूमने इंडिया के बाहर क्यों जाना है? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी चूतिया पे मैं बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा सारा। ये बॉलीवुड वालों ने लोगों का दिमाग खराब करके रख दिया है, रोड ट्रिप के नाम पे यूरोप दिखाते हैं। अरे कभी लोकल ट्रिप तो दिखाओ, ट्रैफिक की वजह से आधे लोग तो यू टर्न लेके वापस आ जाते हैं। सड़क पे इतने गड्ढे, एक घंटे में पीठ दर्द शुरू। और ये जो एक्ट्रेस होके खुली गाड़ियों में बाल लहराते हैं ना स्लो मोशन में, ये सबसे बड़ा स्कैम है। असली जिंदगी में अगर मुंह में कीड़े मकोड़े ना घुसे तो मेरा नाम बदल दियो। और फिर दिखाते हैं किसी फिरंग लड़की से आई कॉन्टेक्ट होने पे आसानी से घपा घप हो जाएगा। पिछले साल मैं हांगकांग गया, मैंने वहां लड़की को बोला हाय, तो कहता हाय। दूर के ढोल फुहाने, जैसे पॉपकॉर्न के डब्बे में मकाने। तो हम कभी नहीं जाएंगे क्या बाहर? जब तक जेब में पैसे नहीं होंगे बाहर जाने का सोचो भी मत। तो ऐसी जगह चलते हैं ना जहाँ पैसे ना लगे। रेड लाइट एरिया हलाजा, मेरा नाम ले लियो कोई पैसे भी नहीं लेगा। बचपन में लगता था बड़े होंगे तो घूमने को मिलेगा, अब जब बड़े हो गए तो समझ आए घूमने के लिए पैसे चाहिए। और अब जब पैसे आ जाएंगे तो लगेगा घूमने में क्यों उड़ाए, सेव करते हैं। फिर सेव करते करते इतना पैसा हो जाएगा कि कोई कुछ क्या बीमारी लग जाएगी जिसके इलाज में वो सारे पैसे एक साथ। कहाँ जाना चाहता है घूमने? मेरा दर्द कोई नहीं समझेगा। अपना दर्द और नुन्नू सबको बड़ा लगता है। एक सेकेंड, बीच देखने के लिए तो हम गोवा भी जा सकते हैं ना? What? बोल अगले हफ्ते चलते हैं। अरे बाप रे,
इसको कैसे बताऊं मैं अगले हफ्ते प्रेरणा के साथ गोवा जा रहा हूं। जा सकते ना? जा सकते हैं गोवा, लेकिन नहीं। क्यों? गोवा में क्या रखा है? बहुत भीड़ होगी इस टाइम। तू ही मैं जो परसों कह रहा था कि प्रेरणा अपनी फैमिली के साथ गोवा जा रही है, इस टाइम खाली रहेगा। हाँ खाली रहेगा, हमें तो भीड़ चाहिए ना। हाँ तो मैं जो जाएंगे ना, क्या भीड़ होगी वहाँ? सुना है रशियन लोग सनबेथिंग के लिए गोवा के बीच पे आते हैं। गोरे गोरे उतड़। इससे अच्छा पहाड़ों पे चलते हैं, रेंट पे कार ले लेंगे, रोड ट्रिप भी हो जाएगी। मुझे उल्टी आती है। पहाड़ों पे उल्टी कैसे चलाएगा गाड़ी? अबे उल्टी आती है मतलब पहाड़ पे उल्टी आती है, गोल गोल रास्ता होता है। हरिद्वार चलते हैं। दोस्तों के साथ हरिद्वार? घर वालों को ट्रिप क्लब ले जा भाई, वहां जाके मन की शुद्धि हो जाएगी। काहे की शुद्धि? भी है बुद्धि। अम्यूजमेंट पार्क चले। स्कूल ट्रिप है क्या बैंचो? ताजमहल देखने चलते हैं। 50 बार जा चुका हूँ। कुतुब मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीवा देखेगा। क्या थके हुए आइडियाज दे रहा है? हरिद्वार, ताजमहल, तेरी पेंशन आने लगी क्या? एक काम करते हैं, बांगड़ चलते हैं। बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ, हॉन्टेड प्लेसेस में गिनती होती है उसकी। रात को भूत दिखते हैं। वो रात में भूत देखने की बात कर रहा है, तुझे भूत की पड़ी है? अबे कहाँ जाना है फिर? गोवा। तू हो साथ चलेंगे। मैं नहीं जा सकता। क्यों? मुझे मम्मी पापा को शिरडी ले जाना है दर्शन के लिए। तो ऐसा बोलना, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं जैसे किसी लड़की के साथ जा रहा हूँ। कहाँ जाने की बात हो रही है? अंकल हम सोच रहे थे कि कहीं घूम के आ जाए। जाना है तो शिमला चले जाओ, मौसम के मामले में उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। आप गए हो? यार इसकी मम्मी और मैं गए थे काफी साल पहले। हम कमरे में थे, फिर वहाँ भूकंप आ गया, सब कुछ हिलने लगा। आपको तो और हेल्प हो गई होगी। मतलब कैसा था शिमला? सही था। उसके बाद इसकी मम्मी और मैं शिमला गए नहीं। तो अब चले जाओ। सोच तो रहे हैं, लेकिन अब वो यूज करना पड़ेगा। निरोध? नहीं नहीं एरोप्लेन। वो ट्रेन के टॉयलेट थोड़े अजीब हो गए हैं। लोग टॉयलेट में से मग्गे चुरा के ले जाते हैं, तो सरकार ने वो मग्गे ना कुछ कुछ बांध के रख दिए हैं चेन से। तो अब वो साफ करने के लिए वो मग्गा खींचने में थोड़ी दिक्कत होती है। मग्गा बंधा है आपकी गांड? क्या? गांधीनगर को जो ट्रेन जाती है ना, उसमें दिक्कत है ये। लेकिन आपका सही है अंकल, आप सब लोग शिरडी जा रहे हो। कब? अरे मैं इनके साथ आज ही डिस्कस करने वाला था ये। पापा आप, मैं और मम्मी चलते हैं शिरडी। तेरी मम्मी और मैं अभी तो शिरडी होके आए पिछले महीने। फिर चल लेंगे। श्रद्धा की कोई कमी है? वो सब देख लेंगे, पहले ये 6,000 रुपए ले अपनी स्कूल की ट्रिप के लिए। स्कूल ट्रिप? तुम लोग स्कूल ट्रिप से गोवा जा रहे हो ना? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ अंकल। स्कूल गोवा ले जा रहा है, म्यूजियम और हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाने। वाह भी वाह। कौन सा म्यूजियम देखोगे? BHN म्यूजियम, भांडो के नाच, बहुत फेमस म्यूजियम है। अच्छा, वहाँ वास्को दे गामा भैया और बाजीराव सिंघम की मूर्ति लगी है। होता क्या है वहाँ? हर फ्राइडे जैकान सीक्रेट पीस देता है। और अंकल पता है वहाँ लैंप पोस्ट उखाड़ने का रिवाज है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। अंकल ये पैसे आप मुझे दे दो, मैं स्कूल में जमा कर दूंगा। ये ले, तब तक मैं मम्मी से शिरडी की बात कर लेता हूँ। भाई मैं तुझे बताने ही वाला था। किसके साथ जा रहा है? प्रेरणा के साथ। वो तो अपनी फैमिली के साथ जा रही थी ना। उसके मॉम डैड का लास्ट मोमेंट पे कैंसल हो गया, तो डैड की टिकट पे मैं जा रहा हूँ। तो माँ की टिकट पे मैं चल लेता हूँ। टिकट तो फट गई, कितना झूठ बोलेगा मैं, पागल समझा? भाई काफी पापड़ बेलने के बाद प्लान बना है मेरा। मम्मी पापा को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है। तू गोवा से जो बोलेगा मैं वो तेरे लिए लेके आऊंगा। अरे वो हनीमून मांग रहा है, तू उसको 15 दिन का पॉर्नहब पे ट्रायल मेंबरशिप दे रहा है? इतना सा था तू?
जब मैं भी इतना सा था। स्कूल में आज तक बैठ के कभी एक दूसरे के बिना टॉयलेट तक नहीं गए और ये किसी लड़की के साथ गोवा जा रहा अकेले। अरे बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जो अपने दोस्तों के साथ गोवा जाते हैं। दोस्ती की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही होती है कि गोवा का ट्रिप सक्सेसफुल होना, जिसमें आज हम फेल हो गए। ये तो इमोशनल ब्लैकमेल है। बैच क्या क्या सोचा था, एक हाथ में बियर होगी और बगल में चिक, अब वही जिंदगी, टिश्यू पेपर और अपना डिक। रात को ठंडी ठंडी रेत पे बैठ के तीनों सारी दुनिया की बिचिंग करते, लेकिन अब कोई किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम दोनों की बेइज्जती करेगा। तू पागल हो गया क्या, तेरी लाइफ है बैंच, तू अपने डिसीजन ले ले। पैसे दे दे, मुंह में ले ले। दोस्तों से दगाबाजी तेरे को 6,000 की पड़ गई। बेटा तेरी माँ से बात कर ली है, शिरडी चलते हैं तेरे वापस आने के बाद। अंकल स्कूल ट्रिप तो कैंसिल हो गई। क्यों? गोवा में काफी लड़का लड़की हुदाई करते हुए पकड़े गए। क्या करते हुए? चौदम पट्टी। क्या? रगड़ा भट्टी झगड़ा कोटी। अरे क्या बोल रहे हो अंकल, ये आपके पैसे वो सीटी वाली ट्रिप पे यूज कर लेना। चलो अच्छा है पैसे बच गए। अरे सुन, वो नीचे वाले कॉलेज के लड़के हैं ना, उनके पास सामान बहुत है तो उनको स्टेशन छोड़ा। कहाँ जा रहे हैं? गोवा। जिस दोस्ती की मिसाल देते थे वो दोस्त बदल गया, भरे भी नहीं थे जो जख्म, उस पे कोई और मूंछ के निकल गया।